मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप ये हरियाणा के रहने वाले हैं, अगर हरियाणा भविष्य में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो सेशन रहेगा हमारा 2022 और 23 का जो सेशन रहेगा, उसमें क्या हुआ कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास अभी हाल ही में 50,000 वैकेंसियाँ रिक्त हैं भाई, जिसमें से बात करते हैं हम ग्रुप सी है हमारा, ग्रुप सी की 30,000 के लगभग, ग्रुप डी की हमारे पास हैं 9,000 वैकेंसी, और हाल ही में रद्द कर दी गई वैकेंसी हैं जिसमें पटवारी है, ग्राम सचिव है या कैनाल पटवारी है, ये लगभग 9,343 वैकेंसियाँ हैं कुल मिला के, अन्य और वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी सारी 50,000 वैकेंसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के बाद जारी करने जा रहे हैं। इन सभी परीक्षाओं का माध्यम क्या होगा, जैसे हम बात करते हैं जैसे टीचर की, जब टीचर होते हैं PRD और TGT और PGT, इनके टीचर लगने से पहले क्या हुआ, हरियाणा ने एक एस्टेट परीक्षा का प्रावधान कर रखा है, एस्टेट जो परीक्षा पास करेगा वही फॉर्म भर सकता है। इसके बाद क्या हुआ, स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, जो बच्चे एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते वो टीचर के फॉर्म नहीं भर सकते, उस सेम प्रोग्राम सेम प्रक्रिया अब हरियाणा ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए वैकेंसी ऑप्शन की है। तो उसमें क्या हुआ कि एक CET हरियाणा सरकार CET हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, सामान्य पात्रता जो परीक्षा है, परीक्षा का आयोजन करवाओगा, वो भी 2022 और 23 के सेशन में कर दी उसका भाई। हम बात करा हाँ बेखबार का अकॉर्डिंग तो यो का है, अमर उजाला में दे रखी है कि अप्रैल 2022 में करवाने की संभावना है, अप्रैल 2022 में इसे करवाने की संभावना है। तो वही ऐसा है कि अभी कोरोना काल चला हुआ है, सारी भर्तियों को हरियाणा सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया है, रद्द कर दिया गया है, ये फार्म नए सिरे से निकलेंगे तो क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट दोबारा आएगा, जो नए साथी हैं हमारे, उन्हें भरने का मौका मिलेगा, वो भी जो साथी CET की पेपर नहीं क्लियर होगा, आप ना तो ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हो ना ग्रुप सी का फॉर्म भर सकते हो। अगर हरियाणा में नौकरी लगाना है, सबसे पहले आपने ये एग्जाम पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये क्वालिफाई करने के बाद जिस भी विभाग में नौकरी निकलेंगी, जिन छात्रों ने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया है वही छात्र आवेदन करेंगे, फिर आवेदन के आधार पर ये देखा जाएगा, फिर एक विभागीय टेस्ट होगा। कल का न्यूज पेपर के अकॉर्डिंग ये बताएगा कि CET परीक्षा पास होने के बाद में एक विभागीय टेस्ट होगा, जो विभागीय टेस्ट वही दे पाएंगे विभागीय परीक्षा जिन्होंने CET की परीक्षा पास कर रखी है। तो CET का सिलेबस क्या है भाई, टोटल मार्क कितने होंगे, CET का पेपर के 95 होंगे, 5 नंबर के होगा, आर्थिक आधार पर दी जाएंगे, EWS बना ले आर्थिक आधार पर, जिसमें परिवार में नौकरी नहीं है या पेरेंट्स नहीं है या विडोज हैं उसके ऊपर दी जाएंगी, ये कुछ क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं नौकरी वाले भी 95 नंबर में सिलेबस में क्या हुआ हमारा कि 25 क्वेश्चन तो हमारे किसके होंगे, हरियाणा जीके के, जिसमें क्या हुआ हरियाणा करंट अफेयर आई, हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ और क्या हुआ भाई, हरियाणा कल्चर है, हरियाणा की संस्कृति, जितने भी हरियाणा से रिलेटेड है क्वेश्चन आएंगे। बाकी हमारे जो क्वेश्चन बचते हैं कि 95 क्वेश्चन हमारे हैं, वो उसमें बाकी जो बचते हैं कितने, 70 बच गए भाई, 70 आओगे, इसमें अभी मैथ है हमारा, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, और भाई इसमें GS है, और GS ऑफ इंडिया भी है, और स्टैटिक जीके भी है, ये जो सारा सिलेबस है किसका है, ये CET का सिलेबस है। तो भाई इसमें थोड़ा ध्यान रखो, अड़कम ना लो, अप्रैल में तो होने वाली परीक्षा है, पेपर में जो क्वालिफाई होगा वही आदमी फार्म भर सका है, और सिर्फ नौकरी के लिए अपने 2022 और 23 का जो सेशन है उसमें CET की परीक्षा पास करना बहुत ही जरूरी है।